नमस्ते जी, नहीं नहीं, हेलो सर, हाय सर, हाय सर, आई एम वीर, मैं आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड हूँ। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं जिंदगी भर उनके साथ करना चाहूंगा। क्या? अगर आप बुरा ना माने तो मेरे पास एक आइडिया है, मुझे एज अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस करें। मम्मी पापा, ये वीर है मेरे कोलीग। कितने दिन ठहरने का इरादा है? 2 nights 3 days। इंटरेस्टिंग। स्वीटी थोड़ा पोजेसिव है मुझे लेकर। कौन स्वीटी? मेरा बड़ा भाई सौरभ। भूमि बता रही थी कि आप फिटनेस को लेकर बहुत सीरियस, इसलिए तो आज तक वर्जिन हूँ। मेरी नजरों से आज तक कोई नहीं बचा। क्यों भाई, आप नाग हो? मेरा शेरलॉक वाला दिमाग बोल रहा है कि उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। वीर, भूमि, दरवाजा खोलो। अंकल, मैं भूमि का बॉयफ्रेंड हूँ, I'm sorry कि हमने झूठ बोला। वीर बहुत अच्छा लड़का है, अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं तो मेरी पसंद के लड़के से शादी कर ली। माई डैड हेट स्मोकर्स। क्या हुआ बेटा, सिगरेट पी रहे हो? सर, मैं कोई हेल्प कर दूं क्या? रहने दो, तुम थक जाओ। मैं नहीं थकता अंकल, भूमि को पूछ लो। क्या, कैसा लड़का है यार ये? उसको छोटे मोटे काम दिए थे, वो तो वो ठीक से कर नहीं पा रहा है, भूमि को क्या संभाले? आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप उसे एक मौका देंगे, फिर ये सब बातें क्यों? ऐसे कितने साल हो गए आप दोनों को? 28 साल हो गए हमारी शादी को। क्यों बात करते हैं आप इस तरह से मेरे साथ? तो तुम्हें भी तो मेरी बात एक बार में समझ में नहीं आती, मैं कुछ समझा दूं? और बच्चे सुन लेंगे। हाँ तो सुन लेंगे, तो सुन लेंगे ना, उनको भी दिखना चाहिए कि एक शादी 28 साल के बाद कैसे दिखती है। आप दोनों को देख के नहीं लगता कि कभी भी आप दोनों के बीच प्यार था? टेक्निकली आप दोनों को डिवोर्स ले लेना चाहिए था बहुत साल पहले। प्यार करते हो तो सॉरी बोलना सीखो। अच्छे लग रहे हो आज, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। एनिवर्सरी विश करने की कोशिश कर रहा हूं। तुम नाराज मत हुआ करो मुझसे, वरना और प्यार हो जाएगा मुझे तुमसे। अपने इस नाराजगी को नजरअंदाज करके तो देखो, हमें माफ करके हमारा दिल भर के तो देखो। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये तुमसे, तुम नाराज मत हुआ करो मुझसे, मुझे प्यार हो जाए तुमसे। क्या कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो? नहीं नहीं, वो पड़ी हुई मिली थी तो बस मैं ऐसे ही। रुको, सिगरेट।